स्वागत है आप सभी का आशय के ऑनलाइन क्लासेस में। हम बेटा आज बीमाओं का तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। तीसरा जो पार्ट है उसमें हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट बीमाएं। देखो नंबर 6 तक हमने पढ़ लिया था, 5 या 6 तक, तो नंबर 6 पे हम पढ़ लेते हैं, वो है घनत्व। नंबर 6 पे है घनत्व। घनत्व को रो से दर्शाते हैं, कुछ किताब वाले इसको डी से भी दर्शाते हैं, ठीक है। अलग अलग किताबों में अलग अलग इसका वो है। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन। मैंने कहा था कि बीमा आप तभी निकाल सकते हो जब आपको सूत्र याद होंगे। तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। बीमा बनाए इसकी तो वह द्रव्यमान को किससे लिखते हैं? बड़े एम से। और द्रव्यमान कितना एक ही है तो इसकी पावर एक लगा देंगे, ठीक है। आयतन बताओ, आयतन आयतन का हम लिखते हैं एल क्यूब, लंबाई की पावर 3, ठीक है, या दूरी की पावर 3। अच्छा ये एल क्यूब ऊपर जाएगा तो क्या लिख सकते हैं इसको? एम वन एल की पावर -3। अब बीमा लिख लेते हैं तो बीमा क्या आ जाएगी बेटा? बीमा आ जाएगी, देखो ये बड़ा कॉन्स्टेंट एम एल टी, तो एम की पावर कितनी है? 1, ठीक है। एल की पावर कितनी है? -3। क्या यहाँ पे समय है? क्या समय नहीं है तो समय की पावर क्या आएगी? 0। तो बेटा घनत्व की बीमा बन जाती है एम वन एल -3 और टी 0, ठीक है। मात्रक देखें इसका, तो मात्रक बताओ मात्रक क्या आएगा? तो देखो ध्यान से, मात्रक द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक होता है एम के पद्धति में किग्रा या केजी, अरे बोलो नहीं क्या? और आयतन का मीटर क्यूब, अरे बोलो नहीं क्या? अच्छा इसको अगर इस तरह अपन ने को किग्रा थोड़ा सा वैसे लग रहा है कि इसको इस तरह से लिख देते हैं केजी, इंग्लिश में केजी लिख देते हैं इसको, और मीटर क्यूब को लिखते हैं एम की पावर 3। मैंने कहा था कि अगर बोला जाए तो क्या बोलेंगे? केजी पर मीटर क्यूब। लेकिन इसको अपन एक तरीके से और लिख सकते हैं, गुणा में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे बेटा? केजी इनटू ये मीटर क्यूब, नीचे से ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर 3, तो ये आ जाएगा केजी इनटू मीटर इनवर्स 3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास है नंबर 7 पे रैखिक संवेग। क्या बेटा? रैखिक संवेग। रैखिक संवेग का आपको ध्यान रखना है, रैखिक संवेग का आपको सूत्र याद रखना है। रैखिक संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा वेग। क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। रैखिक संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान, देखो द्रव्यमान जो है क्या टूटा हुआ पहले से पूर्ण भौतिक राशि है, और आपके पास जो वेग है, वेग जो उसको तोड़ना पड़ेगा, तो वेग को तोड़ना पड़ेगा तो क्या लिख सकते हैं इसको? देखो वेग को, तो ये आ जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान वेग को क्या लिख सकते हैं? वेग को लिख सकते हैं विस्थापन बटे, विस्थापन बटे समय। बोलो नहीं क्या? इसका मतलब आपके पास आ गया। देखो द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम लिख देते हैं एम वन, विस्थापन को एल वन, और बटे समय को क्या लिख देते हैं? टी वन, ठीक है। इसकी बीमा क्या बन जाएगी? इसकी बीमा बन जाएगी एम वन एल वन, ये टी नीचे है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टी माइनस वन, ये आ गई इसकी बीमा। तो रैखिक संवेग की बीमा आ जाती है एम वन एल वन टी माइनस वन। जितनी भी बीमाएं हम पढ़ रहे हैं वो सारी बीमाएं क्या है? हमारे 11वीं की भौतिक विज्ञान में इन सबके टॉपिक है, इन टॉपिकों को रैखिक संवेग क्या होता है, घनत्व क्या होता है, इन सबको बाद में पढ़ेंगे। अब केवल और केवल इनके सूत्र पढ़ रहे हैं और बीमाएं पढ़ रहे हैं। मात्रक बनाते हैं बेटे इसका, तो मात्रक क्या बनेगा रैखिक संवेग का? देखो मात्रक द्रव्यमान का मात्रक केजी, ठीक है, विस्थापन का मात्रक, विस्थापन का मात्रक मीटर, और पट समय है समय सेकंड। तीनों को गुणा में लिखें क्या लिख सकते हैं बेटा? केजी इंटू मीटर इंटू सेकंड इनवर्स, अरे बोलो नहीं क्या? तो इस तरह से आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास बल 8 नंबर पे, और इंपॉर्टेंट बीमा है बल की, आपको याद भी रखना है नंबर 8 इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इससे आप ज्यादातर बीमाएं बल से बनती हैं, तो बल की बीमा आपको डायरेक्ट भी याद रखनी है। बल बल को कहते हैं
10 आते हैं और बल का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। बल को हम लिखते हैं द्रव्यमान गुणा त्वरण से। अच्छा, त्वरण जो है इसकी विमा या तो आपको याद होनी चाहिए या फिर इसका सूत्र बनाएंगे, सूत्र से इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अपन इसको तोड़ते हैं, तोड़ेंगे तो क्या लिखते हैं बेटा, द्रव्यमान और त्वरण को हम लिख सकते हैं वेग में परिवर्तन बटे समय। अब आपको अगर वेग वेग की विमा याद है तो ठीक है, वेग को तोड़ देते हैं तो वेग का क्या सूत्र आ जाएगा, द्रव्यमान गुणा वेग को क्या लिख सकते हैं, वेग को लिखते हैं विस्थापन बटे समय, और एक समय और है तो समय स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये बताइए द्रव्यमान भी मूल राशि है, विस्थापन है, दूरी दूरी भी मूल राशि, समय मूल राशि, तोड़ लेते हैं तो विमा बना लेते हैं, तो इसकी विमा विमा आ जाएगी, देखो विमा को बड़े कोष्ठक में MLT, द्रव्यमान द्रव्यमान एक ही है तो द्रव्यमान की पावर एक, दूरी देखो विस्थापन एक ही है, समय नीचे है इस बार में ऊपर जाएगा तो -2 बोलो क्या, तो बीमा क्या बन गई बेटा इसकी M1 L1 T -2। और याद रखनी मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगी बल की बीमा, आगे जितने सूत्र आएंगे सब में बल इंपॉर्टेंट है, बल और कार्य, ठीक है ना। अच्छा मात्रक बनाए तो मात्रक क्या बनेगा बेटा, मात्रक किसका बनेगा, देखो द्रव्यमान का मात्रक kg इनटू विस्थापन का मात्रक मीटर और पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं kg इनटू मीटर, ये ऊपर जाएगा तो इनटू सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। और बल की खोज किसने की थी, न्यूटन, तो इसका SI मात्रक जो है इंटरनेशनल पद्धति में इसका मात्रक आ जाता है न्यूटन, MKS पद्धति में तो हो गया kg इनटू मीटर इनटू सेकंड इनवर्स स्क्वायर, और SI पद्धति में, SI पद्धति का मतलब होता है कि बहुत सा कोई जो जिस चीज की जो साइंटिस्ट खोज करता है उसके नाम से उसकी विमा बना दी जाती है, उसका मात्रक बना दिया जाता है, सॉरी, तो मात्रक यहाँ पे बल का हो जाएगा न्यूटन, और न्यूटन को किससे दर्शाते हैं, N से। इसका मतलब kg इनटू मीटर इनटू सेकंड इनवर्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन, ठीक है। तो बल का मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन। अच्छा उसके बाद देखो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आवेग, ठीक है, आवेग का देखो नेक्स्ट आवेग, आवेग आपके पास है नंबर 9, आवेग आवेग पाई से दर्शाते हैं, और इसका सूत्र होता है बल गुणा समय, क्या सूत्र होता है, बल गुणा समय, ठीक है। अच्छा देखो बल जो है, बल मैंने कहा था बल की विमा याद रखनी, बल की विमा क्या होती है M1 L1 T -2, ठीक है। तो बल की विमा डायरेक्ट कर देते हैं, मैंने कहा कि बल की विमा से अब सारी विमाएं बढ़ेंगी आगे, ठीक है, तो बल की विमा डायरेक्ट कर देंगे, तो बल की विमा डायरेक्ट क्या आएगी M1 L1 T -2 गुणा समय की विमा, समय की हमें पता है समय को टी से दर्शाते कितनी पावर है एक, ठीक है। अब दोनों को मिला के लिखे क्या लिख सकते हैं बेटा M1 L1। अच्छा यहाँ पे T -2 और यहाँ पे प्लस का एक, तो अलग से कैलकुलेशन करें तो माइनस के दो में प्लस का एक जोड़ेंगे तो कितना बचेगा बेटा माइनस का एक, तो यहाँ पे आ जाएगा T -1, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आवेग की विमा बन जाती है M1 L1 T -1। अब मात्रक देख लेते हैं, तो मात्रक की बात करें तो मैंने कहा था कि बल का मात्रक भाई किसने कॉज की थी, न्यूटन ने, तो अपन न्यूटन यूज करेंगे, तो बल का मात्रक न्यूटन, और न्यूटन को किससे दर्शाते हैं कैपिटल M से। एक बात और ध्यान रखना, जितने भी साइंटिस्ट हैं वो जो भी मात्रक बनाते हैं उनका जो नाम है उसका पहला अक्षर हमेशा कैसा रहता है, बड़ा, ठीक है, कैपिटल। तो क्या आ गया यहाँ पे कैपिटल M, और समय का मात्रक सेकंड, तो क्या आ जाएगा न्यूटन इंटू सेकंड, ठीक है। एक और विमा कर लेते हैं, अपन कर लेते हैं नेक्स्ट बीमा है दाब की, दाब है आपके पास
दाम, ठीक है, नंबर 10 पे है दाम, और दाम का सूत्र आप सबको याद होगा क्या है बेटा, दाम का सूत्र बल बटे क्षेत्रफल, दाम का है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा जी, मैंने कहा था बल की कीमत याद रखनी है, बल की कीमत आ जाएगी m1 l1 t -2, और क्षेत्रफल की कीमत, क्षेत्रफल की कीमत सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे क्या जाएगी m1 l1 और ये -2, ऊपर जाएगा माइनस का, तो माइनस के फॉर्म में चेंज आएगा तो माइनस का है और t माइनस, तो भैया दाब की कीमत अब आपके पास आ गई m1 l-1 t -2, मात्रा क्या है जिसका, तो मात्रा का जाएगा यहां पे जो बल का मात्रा है न्यूटन, और न्यूटन किससे दर्शाते हैं कैपिटल एम, और क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर, ठीक है, एक साथ लिखे तो गुणा में न्यूटन इनटू मीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो बीमा ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है सूत्र, सूत्र अगर आपको याद है तो बीमा आसानी से बढ़ सकती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद।